इस वीडियो में मैं इस डर्ट ब्लॉक को कन्वर्ट करूंगा नेदरराइट ब्लॉक में ओनली विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग। और हाँ, मैं ना ही माइनिंग कर सकता हूँ और ना ही क्राफ्टिंग टेबल यूज कर सकता। क्या मैं इस चैलेंज को कर पाता हूँ, जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। सो बेसिकली मैं एक रैंडम एसएमबी को ज्वाइन करूंगा और फिर उस एसएमबी के मेंबर्स के साथ एक डर्ट ब्लॉक को ट्रेड करूंगा और उस ट्रेड करते करते मैं एक नेदरराइट ब्लॉक पा लूंगा। व्हाट? हाँ, सुनने में बहुत फनी लग रहा होगा, पर रुको, जस्ट वेट एंड वॉच। यार, मैंने जोश जोश में आके बोल तो दिया मैं ये कर दूंगा, पर मैंने ये सोचा ही नहीं कि भाई मैं डर्ट ब्लॉक कहाँ से लाऊंगा, क्योंकि मेरा माइनिंग जो है ऑफ है। ये समस्या है रे, क्या बोलने का, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे करूँ इस एसएमबी में। ओ अरे यार, इधर क्रीपर कहाँ से आया यार? वेट वेट वेट, हमें डर्ट मिल गया यार। और मुझे, मैं तो भाई सिर्फ एक डर्ट लेने आया था, मुझे तो काफी सारी डर्ट मिल गई। चलो, और वैसे मैं समझा देता हूँ, मेरा माइनिंग ऑफ है पर मैं डर्ट ब्लॉक लगा सकता हूँ। सच बोलूँ तो मुझे एसएमबी तो बहुत अच्छी लगी। रुको, इधर क्या रिवाइन है? ओ माय गॉड, इधर नीचे नहीं गिरना यार, पूरा सामान जल जाएगा। पहले मुझे किसी तरह एक एसएमबी मेंबर को ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो मैं ट्रेडिंग करना शुरू कैसे करूंगा। A few minutes later. यार, इस एसएमबी में कोई खेलता भी है या नहीं, मुझे मालूम ही नहीं पड़ रहा यार। रुको, मैं इधर किसी का गेम टैग देख पा रहा हूँ, ये घर के नीचे तो बिल्कुल भी नहीं यार, मुझे नहीं लगता। रुको रुको, मैंने ये घर का मॉडल कहीं पर देखा हुआ है। ओके ओके, शायद इस पानी से, और ये रहा दरवाजा, वही तो मैं सोचूं। ओके, इसका नाम कोबाय 123। भाई देखो ना, क्या स्माइल है इस बंदे की। हैव यू गॉट एनी डर्ट? सच बोलूं तो मैं सीधा वही पूछने वाला था, डर्ट है या नहीं, और उसने सामने से ही पूछ लिया। अरे हाँ, बहुत सारी डर्ट, तो ये ले। देखो, मैंने तुम्हें डर्ट दिया तो तुम्हें भी मुझे बदले में कुछ देना पड़ेगा। ओके, ब्रेड सिर्फ 6, या थोड़ी तो दे दो। और इसी तरह मैंने अपनी सबसे पहली ट्रेड कर दी इस एसएमबी में। सो इससे पहले कि वीडियो में हम आगे बढ़े, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। एक यूट्यूबर हैं जिसको मैं सब्सक्राइबर्स में टेक ओवर करना चाहता हूँ, उसके 24 से 25 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, उसका नाम टेक्नो की मर्जी। ये क्या बात करता है यार। सो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम रेगुलरली वीडियोस डालते हैं, आप जाके चैनल चेकआउट कर सकते हैं। सो मेरे हालात ऐसे हैं कि मेरे आंखों के सामने हेबेल है, पर मैं उनको तोड़ नहीं सकता क्योंकि ये चैलेंज के खिलाफ है। बात तो सही है। और हाँ, मैं मॉब्स को मार सकता हूँ, पर मैं उनका आइटम कलेक्ट नहीं कर सकता। भाई उस पहले बंदे के बाद मुझे कोई मिली, रुको उधर कोई है, उसके पास चलते हैं। ब्रो अपनी शक्ल तो दिखाओ। ओके, शक्ल के पीछे एक बच्चा है जिसका नाम किडीज बैक है। तुम फिशिंग कर रहे हो ना, तुम सैडल्स क्यों जला रहे हो? वेट, रुको रुको, सैडल्स आर वेस्ट। अरे काय का वेस्ट, मुझे दे दे। यू नीड दोस? हाँ भाई मुझे चाहिए, दे सकते हो क्या? देखो पहली बात तो ये सैडल जलाता है और फिर मुझे फूड मांगता है। भाई मतलब यार, गरीब पे क्यों अत्याचार कर? अरे भाग कर रहे हो? अरे मुझे अपना सैडल तो दे दो। भाई साहब छोरों की तरह कहाँ भाग पड़े? ओ आई फॉरगॉट, तो अभी दे दो यार, मेरे पास टाइम खोटी करने का वक्त नहीं है। ओके, तुमने सैडल दे दिया, थैंक यू वेरी मच। देखो हमें मिला है एक सैडल, और इसको मैं बहुत महंगे में बेचने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी चीज है। बात तो सही है। भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब ये घर एंडस्टोन से बना है, इस एसएमबी में एंडर ड्रैगन को मारा हुआ है क्या? रुको, वो कौन है, एक और नया मेंबर क्या? देखो तुम अपने चेहरे की हालत देखो यार, यार क्या छोटे बच्चों का वो पाउडर लगाया हुआ है। देखो क्या तुम मुझे एक आयरन ब्लॉक दे सकते हो? हाँ फर है ना एमरल्ड ब्लॉक, मेरे पास एक एमरल्ड ब्लॉक है, तो मुझे क्या आयरन ब्लॉक दे? देखो मेरे पास एमरल्ड ब्लॉक तो नहीं है, इसलिए तुम मार खाओ। अब देखो आप लोग सोच रहे होंगे भाई मैंने ऐसा क्यों किया, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी मुसीबतें होती रहती है। अबे साले, देखो बैठे बैठे हमें एक फ्री का आयरन ब्लॉक मिल गया, अब मुझे किसी को तो ढूंढना ही पड़ेगा। रुको उस घोड़े पे कोई है, इंडियन लौंडा। अरे भाई मुझे थोड़ा खाने को दे दो, प्लीज प्लीज खाने को दे दो। थैंक गॉड यार, थोड़ा खाने को मिल गया यार, मैं ऑलमोस्ट मर जाता। थैंक यू वेरी मच। वीसी पे आओ, रुको रुको मैं डिस्कॉर्ड पे कनेक्ट हो रहा हूँ। भाई तुम इंडिया से हो क्या? हाँ ब्रो मैं इंडिया से हूँ, फाइनली फाइनली कोई हिंदी बोलने वाला यार। हाँ यार, इस एसएमपी में कोई मिलता ही नहीं यार, सब अंग्रेजी बोलते। अरे तुम्हारे हाथ में सैडल है? यार देखो यार, मेरा एक घोड़ा है, मुझे बहुत जरूरत है यार, प्लीज दे दो प्लीज प्लीज। ये रहो देखो, मस्त है ना? हाँ घोड़ा तो, सैडल चाहिए तुम्हें? हाँ चाहिए चाहिए, प्लीज दे दो फटाफट दो। ठीक है, पर मुझे भी बदले में कुछ चाहिए। ठीक है ये ले सैडल। हाँ अब मुझे भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू। ओके ये काम तो कर रहा है भाई, तुम ये लो एंडरपल, काम चल जाएगा। अरे एंडरपल में क्या होगा, हड्डी भी दी है ना बोन। अरे यार ठीक है, अभी तुम इंडिया वाले हो तो तुम्हें देता हूँ ये लो। हाँ, खाना ऐसे और थोड़ा। हाँ ये लो। हाँ देखो देखो, सुनो मेरी बात सुनो, यहाँ पे एक जोकर धाम का बंदा है, बहुत लोगों को मारता है, उससे बच के रहना, इसलिए तुम्हें ये स्वॉर्ड दिए सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है बाय, ध्यान रखना। सुनो भाई, हमें मिली है बहुत ही अच्छी ट्रेड्स, आखिर एक इंडियन ही तो इंडियन की हेल्प करेगा यार। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। देखो इसने मुझे डायमंड स्वॉर्ड दे तो दिए, पर मुझे नहीं लगता ये मेरे को काम की है, इसलिए मैं इसको भी कहीं पर ट्रेड कर दूंगा। ओके वो पिछली बार इधर ही मिला था। ओके ये अभी भी यहीं पर हैं। भाई क्या तुम्हें ये डायमंड स्वॉर्ड चाहिए? हाँ ये ले, अब तुम मुझे बदले में क्या दे सकते हो?
आई हैव एंडरपल। अरे एंडरपल नहीं चाहिए यार, ये सस्ती चीज मेरे पास पहले भी पड़ी है। आयरन नहीं, आयरन भी नहीं चाहिए। ऑब्सीडियन का क्या करूंगा यार, डायमंड हॉर्स आर्मर। अरे यार इसके पास कोई ढंग की चीज है ही नहीं। देखो मुझे एक मोमेंट पे लगा कि इसके पास कोई ढंग की ट्रेड्स ही नहीं है, पर फिर मुझे रियलाइज हुआ कि डायमंड हॉर्स आर्मर मैं एक तरह से यूज कर सकता हूँ, इसलिए और मैंने उससे डायमंड हॉर्स आर्मर ले लिया। अरे यार ये मर गया, रुको रुको इसका सामान लेते हैं, रुको आई हैव एन आईडिया। अरे तुम्हारा सामान पूरा जल गया है यार। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। अरे यार मुझे बहुत दुख हो रहा है, ये खाना ले ले यार मेरी तरफ से। यार इस बंदे से ना मुझे काफी सारा रॉ आयरन मिल गया और वाटर बकेट भी मिल गई। अभी मैं आगे क्या करूं मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इधर बैठा हुआ हूं। रिवेंज टाइम। यार ये जोकर किलर तो शायद वही है ना, इसका मुंह बहुत खराब है, भागना पड़ेगा यार, मेरे पास कोई आर्मर भी नहीं है। रुको रुको भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मैंने तुम्हें मारा था, वो मेरी गलती थी, सॉरी सॉरी। ओ नहीं 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 यार मैं बहुत कम एचपी पे हूँ यार, भागो इधर से भागो यार। देखो कुछ भी हो जाए पर मुझे इससे मरना नहीं, क्योंकि मैं रिस्टार्ट नहीं कर सकता। यार वो कहाँ पर गया, रुको रुको वो मेरा पीछा भी एक कर रहा है। ये एंडरफल फेंकते हैं और इधर से एस्केप करते हैं यार। ओके लगता है मैं बच गया। ओके वो छोड़ के चला गया, चलो अभी। तो अब सुनो, मैंने इस बंदे को मार के बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे इसको नहीं मारना चाहिए था, और इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी नेदरराइट ब्लॉक को ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये चुप बैठने वाला है, ये वापस हमला करने आएगा। तो चलो इसके पास चलते हैं, इंडियन लौंडा के पास। तो इसके लिए मैंने ये डायमंड हॉर्स आर्मर ट्रेड किया था, क्योंकि पिछली बार मैंने सैडल ट्रेड किया, तो मैंने सोचा भाई हाँ हॉर्स आर्मर भी इसको चाहिए ही होगा। क्या हुआ भाई वापस क्यों आ गए? मेरे पास तुम्हारे लिए एक चीज़ है, ये देखो डायमंड हॉर्स आर्मर। ओ भाई ये मेरे घोड़े के लिए बहुत काम आएगा है ना। हाँ वही तो, उसके लिए मैंने लाया। पर yes, मुझे, yes, मुझे, मजा आएगा। बोलो तुम्हें बदले में क्या चाहिए। आयरन भी ले लो, मुझे एक आयरन का आर्मर दे दो। तो तुम खुद ही क्राफ्ट कर लो ना। एक्चुअली मैं वीडियो बना रहा हूँ यार, यू नो यार क्या टाइम पास करते हो, व्यूज तो आते नहीं यूट्यूब पे। और अरे मेरे 370 के प्लस सब्सक्राइबर्स है यार। हाँ वही, चैनल का नाम क्या बताना? बासु प्लेस। रुको मैं देखता हूँ। भाई 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 इधर देखो, इधर देखो। हाँ एक एक है ना, पहले तुम अपना ये सामान ले लो, मेरी एक रिक्वेस्ट है। और लो सब दे दूंगा, रुको। हाँ भाई देखो, अभी भाई मेरा चैनल प्रमोट कर दो भाई प्लीज यार, शाउट आउट दे दो भाई। अरे अरे भाई देखो अभी वो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि भाई भाई प्लीज यार ऐसे नहीं भाई, ऐसे गे भाई प्लीज यार शाउट आउट यार भाई, शाउट आउट भाई भाई भाई, नहीं भाई शाउट आउट भाई, शाउट आउट तो सॉरी। ओ गॉड मैं बच गया यार, पहले ही एक जोकर मेरा पीछा कर रहा है और अभी ये भी मेरा पीछा कर रहा है। मुझे इसको अपना यूट्यूब चैनल के बारे में बताना ही नहीं था, पर मुझे इससे बहुत सारी अच्छी चीजें मिल गई यार। रुको वो कौन है? हेलो ब्रो तुम्हारा नाम ड्रीम इलेवन, व्हाट हैपेंड? अरे कुछ भी नहीं यार, मैंने इस मोमेंट पे रियलाइज़ किया कि यार अगर मैं ट्रेडिंग करता रहा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने रिस्क लेने की सोची। ब्रो क्या हम पीवीपी कर सकते हैं? यू वांट टू फाइट? हाँ ब्रो हमें, मुझे पीवीपी करनी है, और नॉर्मल पीवीपी नहीं, जो जीतेगा उसको एक इनाम भी मिलेगा। ओके देखो मुझे अभी एक चेस्ट चाहिए ताकि मैं अपना सामान रख सकूं। ओके थैंक यू चेस्ट देने के लिए। तो मैंने देखो अपनी चेस्ट जो है इधर रखी है, ताकि इधर कोई भी नहीं देख सके यार। ओके ब्रो मैं तैयार हूँ। ओके भागते भागते एकदम से अटैक नहीं करना चाहिए। देखो हम दोनों के पास आयरन का आर्मर ही था, तो बात बहुत सिंपल है, मैं पीवीपी का गॉड था इसलिए मैंने उसको मार दिया। साले मजाक बना के रखते हो। और मैं इसी तरह मैंने उसकी डायमंड लेग्स भी ले ली, ज्यादा नहीं बस 30 एमएल दे दो। ओके थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह मैंने 30 एमएल और कमा दिए। जोकर किलर रिवेंज रिटर्न्स। नहीं 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 अभी नहीं यार, ये बहुत घटिया मूवमेंट पे आया। रुको रुको मेरा एंडरपल। ओके ये कहाँ पर है, कहाँ पर? नहीं 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 यार ये वापस बहुत से मारना शुरू कर दिया यार, अभी मैं इससे कैसे बचूं? अरे बहुत जोरों से मारा यार, वो कहाँ पर है? रुको भाई मुझे इससे बचना पड़ेगा। एंडरपल को फेंकते हैं, शायद मैं बच गया भाई, पिछली बार की तरह मैंने वापस एंडरपल से बच गया। नॉट ऑलवेज किड यार, मेरी किस्मत बहुत खराब है, इससे बचना पड़ेगा वापस। अब कैसे बचूं? रुको मुझे एंडरपल फेंकना पड़ेगा वापस भाई, मेरी पिच भी बहुत कम है, उसने मुझे देखा तो नहीं। ओ मैन वेयर आर यू भाई यार, इसकी जगह, इसको जगह अब तक मालूम। मैं बच गया, चलो अभी इधर से चलते हैं भाई, मुझे जल्दी से नेदर ब्लॉक को ट्रेड करना पड़ेगा भाई। एसएमबी में सबसे बड़ा घर यही है। रुको इसके अंदर एक प्लेयर भी है, रुको इसको इसके अंदर चलते हैं। काउबॉय वन, अरे तुम तो वही हो ना जो मुझे स्टार्टिंग में मिले थे, डर्ट के बदले ट्रेड किया था, तुम हो कौन? आई एम द लीडर। तुम लीडर हो? अरे भाई साहब, अरे यार रुको रुको तुम्हारे हाथ में क्या था वो? रुको मैंने तुम्हारे हाथ में कुछ देखा था, नेदरराइट ब्लॉक था शायद। यू नीड इट? हाँ मुझे वो नेदरराइट ब्लॉक चाहिए यार, क्या तुम मुझे दे सकते हो? 600 एमराल्ड्स। उठा ले रे देवा। ब्रिंग देम इन 3 डेज। अबे 3 दिन तो बहुत कम टाइम है रे, कम से कम 30 साल का तो टाइम दे रहे। देखो यार थोड़ा सा कम कर दो प्लीज, 450 फाइनल यार, इससे कम नहीं हो सकता है क्या यार? और थोड़ा प्लीज यार, फाइनल प्राइस बताओ। 350 फाइनल।
ओके ब्रो अभी इसमें चलाना पड़ेगा, ठीक है 350 ला के दे दो। ओके अब मुझे किसी तरह 350 एमराल्ड लाने पड़ेंगे। ओके अब मेरे चेस्ट में तो भाई मेरे पास सिर्फ 66 एमराल्ड है और मुझे चाहिए अभी 350 एमराल्ड। अरे भाई तुम वापस कहाँ से आ गए इंडियन लौंडा, रुको रुको भाई भाई अब का मत भागना यार प्लीज यार मेरा चैनल प्रमोट कर दो यार। देखो सुनो मेरी बात अभी यार, देखो अगर तुम कुछ खुद के दम पे करोगे ना तो तुम कुछ जिंदगी में सक्सेस पा पाओगे। डोंट स्टेप बैक, ओनली स्टेप बैक टू बूंस बैक, मतलब तुम्हें खुद को आगे नहीं बढ़ाना है अपने साथ साथियों को भी आगे। तुमने मेरी आंखें खोल दी भाई यार, अब बस मैं कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में जरूर हासिल करूंगा। आपके मोटिवेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई, मैं चलता हूँ। देखो ऐसा शुक्रिया नहीं चलेगा मुझे, मुझे अभी दक्षिणा चाहिए उसकी। क्या दूँ अरे आप ये एमरल्ड्स ले लीजिए मेरे पास थोड़े हैं। मैं भिखारी लगता हूँ क्या तुम्हें? ले लीजिए। हाँ ये हुई ना दक्षिणा, इसको बोलते तुम हमेशा सक्सेस पाओगे। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? सीखो मुझसे यार, क्या कर रहे हो? मैंने एक सिर्फ मोटिवेशनल स्पीच देके 50 एमराल्ड ले लिए। नहीं 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 यार, ये जोकर किलर वापस कहाँ से आ गए? ये पक्का चैट बॉक्स में मुझे ही भेज रहा है और इस बार उसके पास डायमंड का आर्मर है। यार भागो यार, ये मैं यार पीछा ही नहीं छोड़ रहा। यार वो कहाँ पर गया मुझे दिख ही नहीं रहा, चलो इधर छुप जाते हैं। अरे यार ये पीछे से आ गया। ओ नहीं 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 यार, मुझे भागने दे यार, इसके एरोस बहुत डैमेज कर रहे हैं मुझे। ये ले मार का तू। अरे गायब हो गया यार, ये ऐसे कैसे गायब हो रहा है? ये कोई हैक कर रहा है यार, ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूं। लड़ाई इतनी इंटेंस जा रही कि मैं बता नहीं सकता। मेरी HP ऑलमोस्ट 1.5 पे आ गई और मैं मरने वाला था और फिर भी मैं बच गया। यार मुझे इससे बचना होगा यार, अभी कैसे करूँ? रुको ये साइन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? किल जोकर किलर फॉर ए गुड रिवार्ड फ्रॉम द लीडर। अगर मैं इसको मार दूँ तो मुझे बहुत अच्छा रिवार्ड मिल सकता है। ये ले मार खा साले, आज रिस्क लेके मारना ही पड़ेगा, रिस्क उठा नाम बना। अरे वो रहा जोकर किलर, अभी मैं उसके पास जाके मारूंगा यार। ये ले मार खा। यस ये लावा में गिर गया, ये मर गया। ओ माई गॉड, मैंने इसको बहुत मुश्किल से मारा है। अरे तू पीछे कहाँ से आया यार? इसने एंडरबॉल फेंका। इस बंदे के पास बहुत बड़ा दिमाग है। वो रहा इसको मारना ही पड़ेगा यार, ये लावा के किनारे हैं, इसको मारते। यस ये गिर गए। ओ माय गॉड यार, इस बंदे ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। फाइनली ये मर गए। इस बार भी एंडरफल फेंका था पर ये नहीं बच पाया। ओके अब मुझे उस लीडर के पास जाना है एमराल्ड लेने के लिए। अरे हाँ, मैंने जोकर को मारा है, अब मुझे मेरा इनाम दो। आई वुड रिड्यूस द प्राइस फ्रॉम 350 टू 250। ओके देखो अभी मुझे बाकी के एमराल्ड लाने के लिए ना अपना शातिर दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। तेरे को तो दिमाग ही नहीं है। किड इज बैक, तुम मेरे साथ एक गेम खेलना चाहोगे? पहले तुम दो चेस्ट आसपास रखो। देखो गेम बहुत ही सिंपल है, तुम्हें कुछ अमाउंट ऑफ एमराल्ड्स की बेट करनी है और फिर उतने अमाउंट ऑफ एमराल्ड्स मैं किसी एक चेस्ट में रख दूंगा इन दोनों में से। फिर तुम्हें एक सही चेस्ट गेस करनी पड़ेगी जिसमें मेरे एमराल्ड्स हैं। अगर तुमने सही गेस कर दिया तो वो एमराल्ड्स तुम्हारे, और अगर तुम खाली चेस्ट को ओपन करते हो तो तुम्हारे एमराल्ड्स मेरे हो। पहले राउंड में तुम कितने एमराल्ड्स की बेट करना चाहोगे? 20 एमराल्ड्स। ठीक है मैं रख रहा हूँ 20 एमराल्ड्स किसी एक चेस्ट में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इसमें क्या ऐसा चालाकी करूँगा मैं। रुको आप गेम देखते जाओ। तो अब मैंने दोनों ही चेस्ट खोल दिए और दोनों में मैं 20-20 एमराल्ड रख रहा हूँ, तो किसी एक चेस्ट को खोलने पर उसको मिल ही जाए। ओके भाई चेस्ट को गेस करो। ओ तुम्हें एमराल्ड्स मिल गए यार, यार तुम बहुत एक्सपर्ट हो यार इस गेम पे। Once more! इस बार तुम कितने एमराल्ड्स की बेट करना चाहोगे? इस बार भी 20 एमराल्ड्स की। ओके सो पिछली बार की तरह हम इस बार भी दोनों चेस्टों में 20-20 एमराल्ड डाल देंगे। कौन सी चेस्ट गेस करना चाहोगे? अरे यार तुमने सही गेस कर दिया। ओ नहीं यार, मेरे एमराल्ड्स पूरे जा रहे। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। मुझे बताइए आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई मैं ऐसी पागलपंती क्यों कर रहा हूँ, पर मैं बकरे को चारा दे रहा हूँ यार, आप समझ नहीं रहे हो। अभी मैं उसको चाल में फंसाऊंगा देखना। इस बार कितने एमराल्ड्स की बेट लगाओगे? 60 एमराल्ड्स। तो अभी मैं किसी एक चेस्ट में 60 एमराल्ड्स रख रहा हूँ, मैं किसी भी चेस्ट में नहीं रखने वाला एमराल्ड्स यही। ओके अब गेस करो कौन से चेस्ट में एमराल्ड्स। अभी मुझे 60 एमराल्ड्स दो, मैं जीत गया ब्रो। ओके 60 एमराल्ड्स हुए मेरे, आई वाना ट्राई अगेन, और इस बार 50 एमराल्ड के साथ। वाह पिछली बार की तरह हम इस बार किसी भी चेस्ट में कोई एमराल्ड्स नहीं डालने वाले, इसको इस बार वापस फंसने देते हैं। ओ नहीं नहीं तुम इस बार भी हार गए यार। ओके एक और बार करना चाहते हो? चलो भाई मैंने 20 एमराल्ड रख दिया, अभी बोलो कि कौन सी चेस्ट है। अरे यार तुम हार गए। अरे रुको, तुमने एक चेस्ट खोलने की परमिशन है। अरे यार दूसरी चेस्ट क्यों खुली?
ओह शिट शिट इसको पता चल गया, भागते भागते। आई विल कंप्लेन टू लीडर। अरे नहीं 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 यार इसको मारना पड़ेगा, सॉरी सॉरी भाई तुम्हें मारना पड़ेगा, नहीं तो यार तुम बता दोगे। ओके अरे यार इसके एमरल्ड्स भी मिल गए, और वो सारा सामान लेके चले जाते हैं यार इनके से अगर कम हो जाते हैं एमरल्ड। हाँ ब्रो मैंने एमरल्ड ला दिए हैं, ये लो सारे एमरल्ड, दिस आर 236। हाँ भाई तुमने जितना बोला, ये फंस गया। 14 मोर, गिव मी ऑल योर स्टफ। ओके ओके सब रख लो। ओह माय गॉड इसके लिए मैं कितना तड़प रहा था, फाइनली ब्लॉक ऑफ नेदरराइट, थैंक यू वेरी मच। और मुझे क्या एक साइन बोर्ड देख सकते हो, ओह थैंक यू वेरी मच। और फाइनली हमने इस डर्ट ब्लॉक को नेदरराइट ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया। देखो मेरा काम तो खत्म हो गया है, तो मुझे अभी इस नेदरराइट ब्लॉक की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं ये नेदरराइट ब्लॉक जो है इस किडीज बैग को दे देता हूं। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुष निकला रे। यार मैं जो है दिल का बहुत ही अच्छा हूँ, अगर आप भी अच्छे हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमें टेक्नो गेमर को डिफीट करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको ये ऊपर वाला वीडियो तो जरूर देखना चाहिए। और मैंने एक टेक्नो गेमर के लिए वीडियो भी बनाया था, वो नीचे वाला वीडियो दिख रहा है ना, उस पर क्लिक कीजिए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है।